Hello everyone. So this is the lecture number 5th of marginal costing, and in this video we are going to learn whenever the units information is given in your question. So we have covered major varieties of marginal costing now, and whenever units is given in the question, what kind of format we are going to use, format कैसे use करना है, फॉर्मेट के बेसिस पे क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है जो आपको एग्ज़ाम में यूजुअली पूछी जाती है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिली मिस्टेक होती है. तो हम इस वीडियो से ये सीखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में यूनिट्स दिए होंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एंड विच आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो वाइल सॉल्विंग द यूनिट्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग एज कंसर्न. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पहले तो क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड विद यूनिट्स. कैसे पता चलेगा कि यूनिट्स का इंफॉर्मेशन है? विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. केटी एंड कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट एस्टिमेटिंग फॉर द ईयर 2019-20. वी हैव सेल्स 15,000 यूनिट्स, वी हैव सेल्स वैल्यू एज 1,50,000. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको इस क्वेश्चन में सेल्स के यूनिट्स भी दिए हुए हैं. सेल्स के यूनिट्स दिया है 15,000 और सेल्स का वैल्यू दिया है 1,50,000. फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस इज 34,000, वेरिएबल कॉस्ट इज 6. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बीईपी इन रुपीज एंड यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड रिवाइज, भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है. तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट लिखना है. क्या फॉर्मेट क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट. काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, हर क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि यही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर क्लियर विद दिस फॉर्मेट, क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व. तो अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. तो देखो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे. सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें प्रॉफिट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कितने यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दिया है वो देखना है. 15,000 यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 15,000 यूनिट्स. तो आप भी ऐसे ही नोट डाउन करके रखें 15,000 यूनिट्स. सेल्स का अमाउंट दिया है 1,50,000, तो 1,50,000 आपको सेल्स का अमाउंट दिया है. कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा होगा कि जब हम पर यूनिट ढूंढते हैं या यूनिट्स की वैल्यू ढूंढते हैं, दिस इज यूनिट्स, दिस इज द पर यूनिट का कॉलम. तो पर यूनिट कैसे मिलेगा, अगर हम 1,50,000 को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा, दैट कम्स टू ₹10. वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं एक बार कितना दिया है. वेरिएबल कॉस्ट आपके क्वेश्चन में ₹6 दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट में ₹6 पर यूनिट दिया है, तो यहाँ पे ₹6 लिखूंगा. अब हम क्या करेंगे, अमाउंट के लिए कैसे करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से. तो 6 into 15,000 करोगे तो यूल गेट द वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दैट इज 90,000. देन आपको माइनस करना है, 10 - 6 विल बी 4, 1,50,000 - 90 विल बी 60,000. तो योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60,000 इन अमाउंट एंड ₹4 पर यूनिट. फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया था क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट देख लेते एक बार. फिक्स कॉस्ट आपको दिया था, फिक्स एक्सपेंसेस इज 34,000. वी विल राइट दैट इन दी फिक्स कॉस्ट कॉलम 34,000. इसका पर यूनिट कैसे ढूंढेंगे, 34,000 को 15,000 से डिवाइड करना है आपको. 34,000 डिवाइडेड बाय 15,000 दैट कम्स टू 2.2. दिस इज द फॉर्मेलिटी, ये पर यूनिट कुछ काम का नहीं है. फिर 60,000 minus 34,000 करोगे तो यूल गेट द आंसर एज प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट कम्स टू 26,000. तो 26,000 का प्रॉफिट, 4 में से 2.2 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1.8 का आंसर आ जाएगा. ये भी, ये दोनों पॉइंट्स जो अभी मैंने लिखे हैं, दिस इज ऑल फॉर्मेलिटी. तो ये हमारा कैलकुलेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए. फॉर्मेट वही यूज़ किया है, ओनली द डिफरेंसेस वी हैव यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सिंस यूनिट्स वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर कर लिया एंड द एक्स्ट्रा कॉलम इज पर यूनिट. अगर हमें अमाउंट दिया है तो अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो, आपको पर यूनिट मिलेगा. और अगर हमें पर यूनिट दिया है तो पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा. अभी हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी है. सबसे पहले हमें क्या पूछा है, पीवीआर पूछा है. पीवीआर का फॉर्मूला तो बार बार हमने सीखा है. पीवीआर का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. तो व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी हमने सॉल्व किया था कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा 60, 1,50,000 का सेल्स है। अगर हम पर यूनिट में लेंगे तो भी आंसर आएगा, छोटा सा है पर यूनिट में ले लेंगे। 4 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है हमारा 10 into 100, अमाउंट में लोगे तो भी आंसर मिलेगा और पर यूनिट में लोगे तो भी आंसर मिलेगा। तो PVR कम्स टू 40%, तो हमें PVR मिल गया 40%। तो PVR आने के बाद सेकेंड पॉइंट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR, और यूनिट्स का फॉर्मूला क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बीईपी रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय PVR, 34,000 को 40% से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 85,000। तो दिस इज द बीईपी इन अमाउंट। नाउ वी वे आर गोइंग टू कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स। क्या है फॉर्मूला, 34,000 अपना फिक्स कॉस्ट फिक्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन था 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो दैट विल बी 8,500, लेकिन आगे आपको लिखना पड़ेगा यूनिट्स। तो बीईपी रुपीज़ भी हो चुका है, बीईपी यूनिट्स भी हो चुका है। अगले पॉइंट में जाते हैं, नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, शॉर्टकट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। तो प्रॉफिट को हमें PVR से डिवाइड करना है, देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट कितना है 26,000, PVR कितना है हमारा 40%, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट है हमारा 26,000, PVR है हमारा 40%, तो 26,000 को 40% से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 65,000। तो 65,000 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी हैव कैलकुलेट। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, एंड उसके लिए हमें सारा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। एंड द पॉइंट इज रिवाइज PVR कैलकुलेट करना है, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। PVR भी सॉल्व करना है, बीईपी भी करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करना है अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी तो। तो देख लेते कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख लेता हूँ। हमारे यूनिट्स कितने थे, हमारे यूनिट्स थे 15,000 यूनिट्स, ठीक है। हमारी पहले की सेलिंग प्राइस कितनी थी, 10 था, 10 हमारा पर यूनिट का सेलिंग प्राइस था। अभी ये 10 जो है 10% से कम होगा, तो 10 माइनस 10%, तो 10 माइनस 10% करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट के कॉलम में, दिस इज द पर यूनिट 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, तो आपको सेल्स का अमाउंट जो मिलेगा दैट विल बी 1,35,000। सेल्स रिड्यूस हुआ 10% से, तो अभी नया सेल्स कितना होगा 1,35,000। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 6 था, 6 into 15,000, वो तो सेम रहेगा 90,000, कुछ बोला नहीं है इसीलिए। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 3, दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। 1,35,000 माइनस 90 करेंगे तो दैट विल बी 45,000 एज द कॉन्ट्रीब्यूशन इज अमाउंट। 34,000 का आपका फिक्स कॉस्ट है, वो सेम रहने वाला है, का पर यूनिट भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 2.2। 45,000 माइनस 34,000 करेंगे तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा 11,000, और 3 माइनस 2.2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8। तो पहले हमें फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फॉर्मेट क्लियर रहे तो फिर बाकी चीज़ें में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा। रिवाइज PVR, बीईपी, MOS इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। चलो ढूंढ लेंगे फिर रिवाइज PVR फॉर्मूला। फॉर्मूला विल बी सेम, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन 3 है, सेल्स 9 है, तो चलो सब्सटीट्यूट कर लेंगे फिर। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन 3 है, सेल्स 9 है, इंटू 100, तो 3 डिवाइडेड बाय 9 into 100 करेंगे तो हमारा PVR आ जाएगा पॉइंट में 33.33%। तो ये हमारा रिवाइज PVR आ चुका है 33.33%। रिवाइज बीईपी रुपीज़ में ढूंढना है, फॉर्मूला वही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन PVR, और यूनिट्स का फॉर्मूला भी वही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लेट अस सब्सटीट्यूट नाउ। द फिक्स कॉस्ट इज सेम, 34,000 डिवाइडेड बाय PVR इज 33.33%। ध्यान से सॉल्व करना। ऐसे केस में आपको क्या करना है, 34,000 को डिवाइड करना है 33 पॉइंट, पूरे कैलकुलेटर पे आपको लेना पड़ेगा 33.33333333, फिर परसेंटेज का साइन दबाएंगे तो राउंड फिगर आएगा, वरना फिर आंसर थोड़ा सा पॉइंट में आ सकता है। तो तो आपको आंसर मिलेगा 1,02,000। दिस इज द बीईपी इन रुपीज। अब बीईपी यूनिट्स करेंगे 34,000 इज द फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ढूंढा 3, तो दैट विल बी 34,000 को 3 से डिवाइड करना है। बीईपी कैलकुलेट कर लेंगे 11,333 आएगा आंसर, 11,333.33। लेकिन आगे भूलना मत लिखने के लिए, दैट विल बी योर यूनिट्स। तो यूनिट्स इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब हम यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे तब आपको यूनिट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, रिवाइज एमओएस भी ढूंढना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर्मूला रिमेन सेम एंड द फॉर्मूला इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। देख लेते हमने रिवाइज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है। तो हमारा रिवाइज प्रॉफिट कितना आया था, 11,000 हमको आंसर मिला था। तो चलो कैलकुलेट कर लेंगे रिवाइज एमओएस को। यहाँ पे आ जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय योर पीवीआर इज 33.33%। ये भी रिकरिंग फिगर है, इसको भी सेम कैलकुलेट करना। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुपीज 33,000। तो 33,000 इज दी वैल्यू फॉर योर रिवाइज एमओएस। तो रिवाइज एमओएस वी हैव कैलकुलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, and that was units information is given. So that's it from this part. We have solved one question of units. This question number 2 is your homework. Try to solve this question so that ये जो variety आज हमने solve किया है ये आपका clear हो सके, और इससे related आपके practice questions भी आपके practice के लिए मैंने दिए हैं। Question number 2 and question number 3 ये आपको solve करने हैं। PDF को download कर ले और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको practice करें ताकि ये भी level आपका clear हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।